चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नए वीडियो देख सके सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रियल ट्यूब नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड को अपडेट और आपके आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि फ्रेंड्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया। फ्रेंड्स, पहले जितने भी आधार डाउनलोड ऐप थी वो काम करती थी, लेकिन फ्रेंड्स आप अब प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो वो आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पर लेकर जाएगी जहाँ से आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स काम नहीं करेगी क्योंकि फ्रेंड्स वो साइट सिर्फ कंप्यूटर पे ही ओपन होती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर एंड्रॉयड मोबाइल से आपको आधार डाउनलोड करना है तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट है क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको प्ले स्टोर पर नहीं, आपको मेरी गूगल ड्राइव पर मिलेगी जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आप जैसे कि स्क्रीन पे एक आइकन देख रहे हैं आधार पोर्टल, ये ऐप है, ये आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है मेरी गूगल ड्राइव से जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से उसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स ये ऐप ओपन हो चुकी है एंड फ्रेंड्स इसके जो फंक्शन है वो है आधार डाउनलोड कर सकते हैं, आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपने लोकल इनरोलमेंट सेंटर का भी चेक कर सकते हैं। और ये देखिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट आधार, यानी आप अपने आधार कार्ड में डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं जैसे मोबाइल नंबर हुआ या फिर अपने नेम में या एड्रेस में चेंजिंग कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब इसका जो दूसरा फंक्शन है यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी। फ्रेंड्स अगर आप 99 पे मोबाइल बैंकिंग करना चाहें तो इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। आधार अपडेट, आधार स्टेटस, सारी फंक्शन यहाँ पर मिलेंगे जो आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स जो खास है वो आप यहाँ पर अप्लाई पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें अभी फिलहाल आधार डाउनलोड करना है। तो आधार डाउनलोड करने के लिए ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आधार डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स क्योंकि ये ऐप बहुत ही पुरानी है तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है ये काम तो करती है लेकिन धीरे धीरे आपको इसे यूज लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे कुछ नंबर लिखे हुए थे, ये यहाँ पर आपको डालना है अपने इंटर योर आधार नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने आधार नंबर डाल लीजिए। फिलहाल मैं अपने आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपने आधार नंबर इंटर कर दिए हैं। फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पे मेरा नाम इंटर और उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड जो आपके एरिया पिन कोड हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको साफ नहीं दिखा रहा है, कुछ डिटेल्स इसमें हिंट की गई हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपनी डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ये कैप्चा कोड आएगा तो आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड इंटर कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये कैप्चा कोड आप यहाँ से देख के इंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कैप्चा कोड लगा दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स ये देखिए जनरेट ओपीटी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जनरेट ओपीटी पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे आ गए। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से इसे मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया एंड फ्रेंड्स अब ये फिर से कैप्चा मांग रहा है तो मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जनरेट ओपीटी इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आप यहां देखिए एक ओपीटी आएगा। जैसे ही आप यहां पे ओपीटी इनपुट करोगे, इनपुट करने के बाद में फ्रेंड्स यहां पे डायरेक्ट आधार डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स आधार डाउनलोड हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आधार डाउनलोड हुआ है उसका पासवर्ड है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स पहले क्या होता था हमारा एरिया पिन कोड ही आधार कार्ड का पिन होता था, लेकिन फ्रेंड्स अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे ये देखिए सो आधार कार्ड, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पीडीएफ पासवर्ड इज 331022 फ्रेंड्स ये पासवर्ड नहीं है। अब हमें करना क्या है, इसमें अपने पासवर्ड डालने हैं। तो मैं इसे यहाँ से वर्ड में ओपन कर लेता हूँ। वर्ड में ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स जैसे ही ये पीडीएफ फाइल खुलेगी हम इसे एक पासवर्ड मांगेगा तो हमें यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। तो फ्रेंड्स पहले तो एरिया पिन कोड ही होते थे, लेकिन अभी क्या करना, जैसे कि आपका नाम राकेश है तो आप पहले 4 डिजिट आपके नाम के लीजिए, यानी RAKE और ये कैपिटल अक्षर में। उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी अगर आप 1993 के हैं तो आप लिखिए 1993 और अगर आप
1994-95 जितनी भी आपकी डेट ऑफ ईयर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अपना नाम डाल लेता हूँ, कर देता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स मेरी डेट ऑफ बर्थ 1993। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा आधार कार्ड ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका जो दूसरा है, अगर हमारे पास आधार नंबर नहीं हो और हम आधार डाउनलोड करना चाहें तो किस तरीके से, तो ये देखिए फ्रेंड्स हम इनरोलमेंट नंबर से ही आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे इनरोलमेंट डेट ऑन टाइम एंड फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है एंड कैप्चा। फ्रेंड्स इसमें जो आपका मोबाइल नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रजिस्टर्ड करवाया है उसी मोबाइल से ही निकलेगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, उस पर OPT आएगा, वो OPT आप डाल के आधार डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो रही आधार आप डाउनलोड करने की आप बात। इसके बाद फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड को अपडेट कैसे कर सकते हैं, वो भी इसी ऐप से। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है ये, देखिए यहाँ पर अपडेट आधार, अपडेट आधार पर आके हम अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए क्या थोड़ी सी प्रोसेस है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।